हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से अपनी वीडियोस के कमेंट रीड कर रहा था और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट रीड करते करते पता चला कि हमारे जो काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं वो हमसे चाहते हैं कि विजडम शेयर के एंड्रॉयड टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करें। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सब लोग इसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो फ्रेंड्स क्यों ना मैं इसी टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने विजडम शेयर के एंड्रॉयड टीवी में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अगर फ्रेंड्स आपके टीवी में नोटिफिकेशन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया है और आप लोग सोचते हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा या हमको सॉफ्टवेयर अपडेट करने नहीं आ रहा, तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद आप लोग आराम से अपने टीवी में सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और फ्रेंड्स, हमारा जो विजडम शेयर एंड्रॉयड टीवी है, ये हमारा 43 इंच का LED स्मार्ट टीवी है। तो फ्रेंड्स, इसी टीवी में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई और सा टीवी है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी के फीचर्स सेम ही रहते हैं और उनकी सेटिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है या फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाता, तो फ्रेंड्स आप लोग बिंदास हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका फटाफट रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए यार फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टीवी के स्क्रीन पे और आपको करके दिखाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम अपने टीवी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा जैसा हम करेंगे आपको भी बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा टीवी अभी ऑन हो रहा है तो इसे ऑन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑन होने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने टीवी को अपडेट करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तब तक फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा टीवी ऑन हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपनी टीवी की सेटिंग्स पे जाना है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी टीवी की सेटिंग्स पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सेटिंग पे क्लिक किया। एक मिनट फ्रेंड्स, हमसे गलती से नेटवर्क पे क्लिक हो गया। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और हम चलते हैं अपनी टीवी की सेटिंग पे। तो मैं ऐसे बैक हो जाता हूँ और हम टीवी की सेटिंग में चलते हैं। फ्रेंड्स, सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्किप करना है और आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आपको यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाना था। तो हमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सिस्टम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके टीवी की सारी डिटेल लिखी आ जाएगी। आपका टीवी का वर्ज़न, आपकी टीवी की मेमोरी, आपकी टीवी की रैम, आपके टीवी का वर्ज़न, आपके यहाँ पर टीवी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा टीवी का अपडेट। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्टम अपडेट। आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, करेंट वर्ज़न इस लेटेस्ट वर्ज़न, मतलब फ्रेंड्स ये हमारा लेटेस्ट वर्ज़न रन कर रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अभी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स, आपका जो टीवी है अभी लेटेस्ट वर्ज़न में है। अगर फ्रेंड्स आपके यहाँ पे कोई क्लिक हो जाता है, यानी आपके यहाँ पर कोई अपडेट लिखा आ जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ही अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे टीवी में अभी कोई अपडेट नहीं आया है, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। अगर फ्रेंड्स आप अपना अपडेट चेक करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप लोग सिस्टम अपडेट पर क्लिक करके आप अपना अपडेट चेक कर सकते हो और अपना टीवी अपडेट कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्टेंट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।